चाहता हूं क्योंकि आपके लखनऊ का ट्रैफिक बहुत है, है? तो आपके लखनऊ का ट्रैफिक था इसलिए लेट पहुंचा। दूसरी बात, आज जिस कार्य के लिए आप लोगों को कष्ट दिया गया है वो एक महत्वपूर्ण विषय है, हम 100 करोड़ सनातनियों का विषय है, हम सभी सनातनियों की आस्था का विषय है, हमारी आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा का विषय है। ये विषय एक ऐसा है जिस पे बात किए बगैर हम लोग रह नहीं सकते। आप जानते हैं कि कुछ समय पूर्व आप सबने ये न्यूज चलाई थी, बालाजी के मंदिर के प्रसाद में मिलावट हुई। कितने करोड़ लोगों की आस्था का प्रतीक है तिरुपति बालाजी का मंदिर, जिसमें पशुओं की चर्बी हम लोगों को खिलाई गई। दूसरा, उन पूजा स्थलों में जहां हमारे देवी देवता निवास करते हैं, उन पूजा स्थलों में लोग भी कार्य कर रहे हैं जिनकी कोई आस्था देवी देवताओं में नहीं है। प्रश्न यह है कि जिनकी आस्था नहीं है, जो मानते नहीं है उन देवी देवताओं को, वो उन देवी देवताओं की पवित्रता का, पूजा का, अनुष्ठान का कैसे ध्यान रख सकते हैं? एक एक मंदिर में अन्य अन्य धर्म को मानने वाले लोगों की व्यवस्था की गई, इवन चेयरमैन भी बनाया गया उन लोगों को। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने और संत समाज ने एक निर्णय लिया है कि हम सभी संत समाज एकत्रित होकर दिल्ली में 16 तारीख को धर्म संसद करेंगे, सनातन धर्म संसद होगी, और उसमें हम लोग एक आशा करते हैं और एक मांग करते हैं सरकार से, जिसका ड्राफ्ट भी हम तैयार करवा रहे हैं, ऑलमोस्ट वो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, और सनातन धर्म संसद में ही उस ड्राफ्ट को बताया जाएगा कि हमें भी सनातन बोर्ड का निर्माण चाहिए। होना तो यही चाहिए था कि आज़ादी के बाद 1947 में ही या 1954 में जब वक्फ बोर्ड बना, उसी समय सनातन बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए था, तभी ये कंट्री सेकुलर कंट्री मानी जाती। पर बहुसंख्यक लोगों की आस्था का ध्यान नहीं रखा गया और ये कहते हुए मंदिर अपने पास में रख लिए कि हिंदू लोग अपने मंदिरों का रख रखाव करने में सक्षम नहीं है, बाकी के किसी की पूजा पद्धति को, किसी भी जहां उनके लोग अपने श्रद्धा रखते उन देवालयों को, किसी को भी आप समझ लीजिए, नाम मैं नहीं ले रहा हूं किसी का, उनको उन्होंने फ्रीडम दे दिया कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंदिरों को अपने कब्जे में रखा गया। 3 लाख करोड़ प्लस जो मंदिरों से धन आता है, उस धन का भी दुरुपयोग कुछ सरकारों ने पूर्व में किया है, और हम नहीं, आप भी जानते इस बातों को, इन बातों को आप भी जानते हैं। इसलिए अपने सनातन के उत्थान के लिए, अपने मंदिर व्यवस्थाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए, अपने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए, गौ माता की सेवा करने के लिए और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को सुरक्षित करने के लिए 16 तारीख को जो धर्म संसद होने जा रही है, उसमें हम सनातन बोर्ड की निर्माण की मांग, कृष्ण भूमि के मंदिर के निर्माण की मांग प्रमुखता से उठाने जा रहे हैं। और जिन्होंने जो सबसे बड़ी मांग हम रख रहेंगे उसमें, पहले सबसे पहले सनातन धर्म बोर्ड का निर्माण हो, कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण हो, तीसरी अहम, जिन लोगों ने बालाजी के मंदिर में मिलावट की है प्रसाद में, उन लोगों को कठोर सजा हो, जिससे हमारे जितने लोगों का धर्म भ्रष्ट किया गया है, भविष्य में ऐसा अपराध कोई दोबारा करने का साहस न कर सके, इसके लिए उन्हें भी कठोर सजा होनी चाहिए। आज हम लखनऊ में बैठे, तो लखनऊ में बैठने के बाद अब जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमारी कुछ संतों से चर्चा हुई, उन संतों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी की सरकार है, अर्थात एक संत की सरकार है, तो हम ये कहेंगे कि दिल्ली में 16 तारीख को
संत संसद के बाद सबसे पहले सनातन बोर्ड का निर्माण और गठन अगर उत्तर प्रदेश की सरकार श्री योगी सरकार करती है तो ये हम सब संतों के लिए और सनातन के लिए एक अहम कदम होगा। और इसकी शुरुआत अगर यहाँ से हो फिर हम दिल्ली में भी मोदी जी से अमित शाह जी से मिलकर इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। और 16 तारीख को सभी सनातनियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे पास न धन बल है न जन बल है, मेरे पास कोई बल नहीं, मेरे पास सिर्फ सत्य का बल है और ठाकुर जी का बल है और आपका बल है। आप जितनी बड़ी संख्या में दिल्ली में पहुंचेंगे मुझे लगता है उतने ही बड़े पैमाने पर सरकार हमारी बात को सुनेगी और सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। अभी मेरे पास में कुछ मांगे आई हैं, महाराष्ट्र में कुछ संगठनों ने मांग किए कि नहीं किए, आप लोगों के पास भी खबर होंगी। वो उन्होंने विपक्षियों से कहा है, विपक्षी मतलब जो वहाँ अभी सरकार में नहीं है, उन लोगों से कहा है, कुछ मांगे रखी, उनमें से कुछ मांग बता देता हूँ कि आप जम के बिल वक्फ बोर्ड का जो बिल आ रहा है उसका विरोध करिए, नौकरियों में 10% आरक्षण दिलवाइए, और सबसे बड़ी बात है 1,000 करोड़ रुपए हमको देने का वादा करिए। ये कुछ मांगे रखी है जो प्रमुख बता रहा हूँ, उसमें से एक और है कि जितनी भी मस्जिद में मौलवी हैं उनको 15,000 रुपये देने की आप घोषणा कीजिए तो हम आपको समर्थन करेंगे। अब हमें इनकी मांगों से कोई ऐतराज नहीं, हमको कोई ऐतराज नहीं, सबको अपनी अपनी मांग रखने का अधिकार है, पर जितने भी पक्ष और विपक्ष के नेता हैं उन सब से भी एक आग्रह हम लोग करना चाहेंगे कि ऐसे कब तक हम अपने देश के छवि को और भविष्य को दांव पर लगाते रहेंगे। अगर सेकुलर कंट्री है तो सबके लिए समान अधिकार होने चाहिए। अगर मौलवी जी को आप 15,000 दे रहे हैं तो मंदिर के हर पुजारी को भी 15,000 की घोषणा आपकी सरकार को करनी चाहिए। अगर आप मदरसों के लिए स्पेशल ला रहे हैं कोई योजना तो आपको गुरुकुलम के लिए भी योजना लानी चाहिए। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखकर हम सनातन बोर्ड के निर्माण की मांग सरकार से करने आए हैं। और आप मीडिया वालों से निवेदन है, हमें मालूम है आप सब सेकुलर हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप सब भी सनातनी हैं, आप सबसे भी हमारी बात है। अगर हम जायज बात कर रहे हैं तो आप हमारी बात को पहुंचाइए, अगर हम नाजायज बात कर रहे हैं तो हमारी बात को मत पहुंचाइए, अगर हम नाजायज बात करें तो आप हमारा विरोध करिए, लेकिन हम अगर जायज बात कर रहे हैं तो आप हमारे पास में नहीं है कोई व्यवस्था जिससे हम आप लोगों तक पहुंच सकें, लेकिन आपके पास में है व्यवस्था जिससे आप जन जन तक हमारे सत्य को पहुंचा सकते हैं कि सनातनियों ने बहुत सहा आजादी के बाद, जितना सनातनियों ने सहा शायद ही किसी ने सहा हो इस देश में, और कितना चाहते हो कि हम लोग और सहें, अब इससे ज्यादा सहा नहीं जाता है। हमने अपनी बहन बेटियों के टुकड़े होते हुए देखे इस देश में, हमने मंदिर के प्रसाद में मिलावट होती हुई देखी इस देश में, हम लोग आज भी कृष्ण भूमि के लिए न्यायिक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी जामा मस्जिद की सीढ़ियों में है, औरंगजेब के सलाहकारों के मुताबिक, उनकी किताबों के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं। और आज भी मैं अपने भगवान का अपमान सह रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मैं संविधान पर विश्वास करता हूं। अगर मेरा विश्वास संविधान पर है तो संविधान की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो मेरे साथ न्याय करे। 100 करोड़ लोगों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण में सिर्फ सनातनियों का ही विश्वास नहीं है, देश विदेश में सभी लोग भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। नहीं तो चल के देखो वृंदावन में कार्तिक मास में कितने विदेशी परिक्रमा कर रहे हैं।